हेलो दोस्तों, जय माता दी। शुभ नवरात्रि आप सभी को। नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं और माता रानी की कृपा आप सब पर बनी रहे। सो गाइस, आज मेरा और मम्मी का व्रत है, तो मैं भी बना रही हूँ आलू जो हम खाएंगे इस दही के साथ। सो गाइस, मैं आपको पहले एक बार बता दूँ, क्योंकि जब मैं ब्लॉग बनाती हूँ तो काफ़ी सारे लोग कुछ चीज़ें नोटिस भी करते होंगे, करने वाले करते भी हैं, नहीं करने वाले नहीं करते, हो सकता है आप लोग नोटिस कर लो। तो ये सूट आप देख रहे हो, मैंने कल मैं ब्लॉग में पहना था, तो हो सकता है आप लोगों को लगे कि मैं नहाई नहीं हूँ या बिना नहाए मैं व्रत कर लिया, तो ऐसा कुछ नहीं गाइस। आप देखना, पहले ब्लॉग के लास्ट वाले क्लिप में मैंने कपड़े चेंज किए थे, क्योंकि मुझे कल कहीं जाना था अपने पैर दिखाने के लिए, तो मैंने यारा सूट पहना, क्योंकि मान लो अगर एक्सरे होता है तो जाहिर सी बात है कि मैं लहंगे में तो नहीं करवा सकती, मैंने इसलिए सूट पहना था। यार कल मैं जा नहीं पाई थी, तो मैंने रात को सूट को धो लिया, सुबह वापस आज ही पहना है, क्योंकि आज भी मैं जाऊँगी, आज जाऊँगी, कल तो नहीं जा पाई थी। तो देखते हैं एक्सरे होगा या इसको सुटवाएंगे, क्या होता है जो भी होगा देखा जाएगा। आप फिलहाल देखा, मैं इतना हिलते मुझे खड़ा नहीं हो जा रहा, पैर से बैठा भी नहीं जा रहा, बस लेटे रहूँ। तो 10 दिन हो चुके हैं, तो चलिए पहले आलू बनते हैं। बन गए मेरे आलू, मैंने इसमें सिंगल नमक हरी मिर्ची जीरा डाला बस, और कुछ भी नहीं डालूंगी मैं इसके अंदर। सो गाइस, एक कस्टमर है मेरे भिलवाड़ा के, अभी उनका नाम कंफर्म नहीं हुआ है, तो अभी उनका नाम देखेंगे। तो उनका ऑर्डर आया है नवरात्रों के लिए, उनको 10 हेयरबैंड चाहिए फ्लावर्स वाले। तो अभी मैं सामान निकाल आ चुकी हूँ अपना हेयर बैंड, और ये मेरी ग्लू गन मेरी बहन, तो फटाफट से मैं उनको ऑर्डर बनाती हूँ, पार्सल लगवाते हैं, क्योंकि नवरात्रों में चाहिए। तो नवरात्र स्टार्ट हो चुके हैं आज से, तो नवरात्र खत्म होने से पहले मुझे भेजना पड़ेगा। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ फटाफट, आप लोग बने रहिए ब्लॉग में एंड तक, और एंड में दिखाऊँगी आपको कि मैंने क्या बनाया है, ये कैसा बनाया। सब गाइस, मैंने अभी बनाए हैं कुछ और क्लिप्स, तो ये टिक टैक वाले हैं, ये देखिए, और ये सुंदर सुंदर क्लिप्स गर्ल्स के लिए। तो अगर आप लोगों को ये लेने हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, और नंबर मैं बहुत बार बता चुकी हूँ, एक बार और बता दूँगी। तो ये कुछ इस तरीके से लगेंगे, और मुझे भी। तो मैं आपको दिखाती हूँ, हर ना मेरे को भी लगाने की लग रही, तो मैं मेरे को भी लगा देती हूँ। तो एक ये इधर, सब कैसी लगा के लगा दिए मैंने। मैं अभी जाके लेके आई हूँ ये हेयर बैंड, अभी जैसे कि आपने देखा था कि मार्केट में कोई त्योहार हो रहा था, अब आई डोंट नो क्या था वो। सो अब इसको मुझे डेकोरेट करना है, किसी कस्टमर का भिलवाड़ा से ऑर्डर है, उनको कन्याओं के लिए चाहिए 10 हेयर बैंड रेड फ्लावर्स के साथ, तो मैं इसको रेडी करती हूँ। और गाइस, अभी मैं आपको बताया था, अपना पैर भी मैं दिखा के आई हूँ, तो उन्होंने बताया है कि नस वस तो कुछ भी नहीं हुई है, अब क्यों हो रहा है भगवान जाने। तो इसके पापा ने, निक्की ने बोला कि शायद मेरा पैर आम गया है,
तो मुझे गर्म पानी से सिकाई करने को बोला है, और तेल और आयोडेक्स की मालिश करनी है। तो चलिए फटाफट से चल के मैं इसको डेकोरेट करती हूँ और फिर आप लोगों को बताती हूँ मैंने क्या बनाया है। सो गाइस ये बना रही हूँ मैं रेड कलर में, उनको रेड चाहिए था कन्याओं के लिए। सो गाइस फाइनली 10 पीस बन के हो चुके हैं रेडी, सो आई होप उनको पसंद आए। तो चलिए अब मैं इसको फटाफट पैक कर लेती हूँ। सो गाइस मैंने कस्टमर जी के लिए ये नोट बनाया है जय माता दी, क्योंकि उनका ये पार्सल है ये माता रानी के लिए है, नवरात्रों के लिए। सो गाइस मैंने इसको कर दिया है पैक। तो गाइस ये कस्टमर का पार्सल रेडी हो चुका है मीनाक्षी जी का, तो इसको मैं आज लगवा दूंगी और ये दो तीन दिन में पहुंच जाएगा। तो ये कस्टमर भीलवाड़ा के हैं तो आज फटाफट लगवा देंगे ताकि दो तीन दिन में इनको पार्सल रिसीव हो जाए और ये नवरात्रों में इसको कन्याओं को दे पाए। सो गाइस अभी मैंने व्रत खोल लिया है, मैंने कढ़ी बनाई थी, कढ़ी खा के मैंने व्रत खोल लिया। और अभी मुझे व्हाट्सअप पे जो मैंने बिजनेस अपना स्टार्ट कर रखा है उसमें आप लोगों ने देखा होगा मैंने नंबर मेंशन किया हुआ है, तो उस नंबर पे अभी एक कॉल आया था व्हाट्सअप कॉल। सो उन्होंने मुझे बताया कि उनका ससुराल जो है मतलब राजस्थान के अंदर ही है लेकिन वो है कर्नाटका के। तो उन्होंने मुझे बोला कि दीदी मैं वहाँ से भी अपनी वीडियो देखती हूँ, ब्लॉग देखती हूँ। सो बहुत बहुत अच्छा लगा ये जान के कि इतनी दूर तक लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, मुझे पसंद कर रहे हैं, और उन्हें काफ़ी अच्छा लगा मुझसे बात करके और मुझे भी अच्छा लगा। और उन्होंने बोला कि आपका बेटा नवे भी बहुत क्यूट है। थैंक यू बोलो, थैंक यू बोलो, थैंक यू बोलो, ये लो अब बोलो थैंक यू। ये लड़का, ये लो, मैं दिख रही हूँ, मैं दिख रही हूँ, दिख रही हूँ ना मैं, दिख रहा है। आप ऐसे दिखोगे, देखोगे आप, रुक जाओ, ये लो अब दिख रहे हो आप, बस अब बोलो थैंक यू। कैसे दिखा है? थैंक यू बोलो, थैंक यू दीदी। मैं अच्छा क्यों नहीं दिख रहा? क्या पता क्यों नहीं दिख रहा?